हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बेक्ड पास्ता की रेसिपी, जो बहुत इजी एंड सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पास्ता बॉईल कर लिए है, तो जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही बॉईल कर लेने हैं। तो मैंने 1.5 कप पास्ता ले लिए है और इसको मैंने खुले पानी में नमक और ऑयल ऐड करके बॉईल कर लिए है, और मैं इसे ड्रेन कर लूँगी और इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दूँगी और इसे ड्रेन कर लूँगी फिर से, तो ये बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि वेजिटेबल सॉटे कर लूँगी। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स सॉटे कर लूँगी। तो मैंने 1 गाजर चॉप करके ले लिया है और इसको पहले मैं सॉटे करूँगी 1 से 1.5 मिनट के लिए, और बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कैप्सिकम, और मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न ले लिए हैं और 1 छोटा टुकड़ा कैबेज का ले लिया है 1/4। और मैं इन तमाम वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करूँगी ऑयल में, स्टर फ्राई करूँगी और मैं इसे निकाल लूँगी साइड पर, बाद में सॉस बनाऊँगी। देखो फ्रेंड्स, बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी। तो बस वेजिस स्टर फ्राई हो गई है, मैं इसे साइड में निकाल लूँगी और मैं यहाँ पर सॉस बना लूँगी। तो सॉस बनाने के लिए ऑयल ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड किया है चॉप किया हुआ लहसुन 3 से 4 क्लोव्स ले लिए हैं मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है। ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, मैंने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बताई है, सेम यही है। बस यहाँ पर मैं प्याज ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से सॉटे करूँगी उसका कलर चेंज होने तक। हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करना है। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। तो आप चाहे तो मार्केट में जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने घर पर बनाया तो मैंने 4 टमाटर ग्राइंड करके रखे थे, आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हो। और मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, और मैंने ऐड किया है इसके अंदर नमक 1/2 टीस्पून और ऐड किया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। बाद में इसके अंदर मुझे ऐड करना है टोमेटो केचप और मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून विनेगर और शुगर ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून। तो इस तरह से फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए शुगर और विनेगर ऐड करना है। तो बस मेरा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है, और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना आप लोग, मैंने नहीं किया है। तो बस इस तरह से बहुत इजी रेसिपी है, ये विनेगर ऐड कर दिया मैंने और ये शुगर ऐड कर दी, और मेरा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रेडी है। तो फ़िलहाल मैं इसे पास्ता में यूज़ करती हूँ, आप इसे पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं बनाऊँगी चीज़ सॉस। चीज़ सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। तो मैदा को बटर के अंदर भून लेना है हमें, और ये जैसे जैसे भून जाएगा वैसे लाइट होता जाएगा। मैंने इससे पहले भी चीज़ सॉस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 कप दूध और इसको विस्क के हेल्प से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, और बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 स्लाइस चीज़ की, आप चाहे तो क्यूब यूज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर ले। और मेरा चीज़ सॉस रेडी है। तो अब टाइम आता है असेंबलिंग का। तो मैंने पहले तो ओवन को प्रीहीट होने रख दिया है 180 पर 10 मिनट के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रीहीट 10 मिनट का ही होता है। और यहाँ पर मैं वेजिस को सॉस के अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिला लूँगी। तो मैंने इस तरह से फॉइल कंटेनर ले लिए है, आप फॉइल कंटेनर की जगह ओवन प्रूफ कोई भी ओवन प्रूफ यूटेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने पास्ता
का लेयर लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी सॉस और वेजीज का मिक्सचर जो है वो, और इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी चीज सॉस। तो इस तरह से सारे कंटेनर में ऐड कर दे और चीज सॉस ऐड कर दूंगी मैं। तो पहले तो मैंने चम्मच से ऐड किया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि चम्मच से अच्छा है मैं पाइपिंग बैग से ही कर लेती हूँ, तो मैंने पाइपिंग बैग से ऐड कर दिया तो बहुत आसानी से हो गया। और मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया चीज़, जो अमूल का चेडर और मोजरेला का कॉम्बो आता है वो यूज़ किया है मैंने। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करूँगी और थोड़े से चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो इसके ऊपर डेकोरेशंस के लिए कुछ वेजीज यूज़ कर सकते हो, लाइक ऑलिव्स, कैप्सिकम। तो बस मैं इसे 20 मिनट के लिए 180 पर ओवन में बेक कर लूँगी। ये देखो चीज़ मेल्ट हो गया है और बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू आ रही है। आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको विदाउट ओवन बेकिंग बताया है उस तरीके से। और ये देखो यहाँ पर मेरे बेक पास्ता रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना। दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।